राजधानी पटना में बढ़ते अपराध के बीच हथियारबंद दो की संख्या में आए अपराधी हथियार का भय दिखाकर देर रात अगमकुआं थाना क्षेत्र के अगमकुआं शीतला मंदिर आरोपी के पास पंकज इलेक्ट्रिक के मालिक विनोद कुमार को गिरफ्त में लेते हुए पहले तो उन्हें बंधक बनाया, फिर बारी बारी से गल्ला में रखे लगभग 3 से 4 लाख रुपए निकाला और गले में सोने का चैन और हाथ में पहने सोने का अंगूठी को लूटकर फरार हो गए। इस घटना से इलेक्ट्रिक दुकानदार दहशत में है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। वहीं घटना स्थल पर पहुंची अगमकुआं थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हथियारबंद अपराधियों की पहचान करने में लगी है। गौरतलब है इन दिनों राजधानी पटना में अपराधियों का आतंक का कहर जारी है। 8:45 में थे तो दो व्यक्ति आए और दो व्यक्ति एक हेलमेट पहने हुए थे, एक मास्क लगा हुआ था, अंदर हेलते ही दोनों पिस्टल खड़ा कर लिया और एगो के सटा दिए पिस्टल मेरे से सटा के एक सोने का चैन, एक अंगूठी और गल्ला में रखा हुआ 2.5 से 3 लाख रुपया सब गमछे में लपेट के आराम से चल गए। क्या पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।